कि भाई वहां पे रखी हुई है और हमको यहाँ जाकर भी रखनी थी, तो प्रशासन अपने पास ही रख ले। लेकिन जब प्रशासन को ये पता चला कि ये लेकर नहीं जाएंगे, तो उन्होंने एक नोट उन परिवारों का प्रेशर डाला कि इसको लेकर चले जाओ आप और इसका दाह संस्कार करो। लेकिन परिवार के लोग बहुत मजबूत लोग हैं। हमने इस तरह के हालात बहुत देखे हैं कि परिवार टूट जाता है, और यह भी एक स्वाभाविक बात है कि जिसके परिवार में इस तरह का हाल पार्थिव शरीर हो, तो उनके घर में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वे हैं, तो उनकी क्या स्थिति रहती होगी। लेकिन बड़े मजबूत लोग इनके परिवार के हैं, गांव मजबूत है और पूरा क्षेत्र भी मजबूत है, जिस तरह से आज यहाँ पे पंचायत हुई। लेकिन सरकार एक हट धर्मी पे है और सरकार उसका दिल्ली के आंदोलनों का बदला लेना चाहती है, और झूठे मुकदमों में फंसाना चाहती है बच्चों को और गांव के लोगों को। मतलब अगर सही जांच हो जाए और दोबारा पीएम हो, तो इनकी जो मौत हुई है वो लाठी लगने से हुई, पुलिस की लाठी लगने से मौत हुई है। लेकिन हमारे किसानों के ऊपर मुकदमे 302, 307 एलआईयू इंटेलिजेंस के लोग होंगे, ये सरकार जरूर सुन ले, जरूर सुन रही होगी। जो ये किसान 13 महीने से दिल्ली से नहीं हटा, ये किसान यहां से भी वापसी नहीं जाएगा। बगैर इंसाफ के, बगैर मुकदमे वापसी किए ये किसान जाएगा नहीं यहां से। खेलना पिटो भाई, खेलना, ये खेलना पिटो, ये कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो फैसला ये पूरी पंचायत का फैसला है, जो कमेटी है यहाँ की उनका फैसला है, हमारा अकेले का नहीं है। पहला फैसला यह है कि अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। 2 घंटे 4 बजे तक प्रशासन के पास में टाइम है, वो बातचीत कर लाएंगे, और नहीं तो हम अपने पार्थिव शरीर को, जो शहीद किसान का शरीर है, उसको लेकर हम सड़क के ऊपर वहां पर जाएंगे, हाईवे के ऊपर रखेंगे, परमानेंट इंतजाम, और धरना हमारा वहीं चलेगा। लोग अपना सहयोग वहीं देते रहे, ये लंबा चलेगा। 8 आगे इसका समर्थन करो। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ का फैसला है, इसमें अगर यहां से किसान हारेगा तो ये हावी होंगे, इस तरह के कांड हर जिले जिले में होंगे। ये अत्याचार यहां नहीं है, ये अत्याचार उत्तर प्रदेश में जहां जहां पे भी इनकी सरकारें हैं। ये शिकंजा किसान और मजदूर के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति कर रहे हैं। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए प्रशासन को, सरकार को यहां की। मतलब हम डेड बॉडी लेके यहां पे बैठे हुए हैं और कोई बातचीत करने को तैयार नहीं, इनको शर्म नहीं आती, क्योंकि ये जो सरकार है ये लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं, ये तो कत्ली लोग हैं सारे, ये तो झगड़ा करवाते हैं। कितने भी झगड़े होते हैं, इनको कोई फर्क इस चीज से नहीं पड़ता। तो कमेटी का फैसला है, तो ये फैसला आर पार का फैसला होगा। परिवार के लोग संयम रखें, अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रखें, और जो भी हो, 2 दिन बाद में 4 दिन बाद में जो भी बाद में कमेटी का निर्णय होगा, उस पर हम अपना अगला काम करेंगे। अभी सब लोग यहाँ पर अपनी बात रखेंगे, 4 बजे तक एलआईयू इंटेलिजेंस के लोग यहाँ पे होंगे, प्रशासन के लोग यहाँ पे होंगे, किसी को बात करने हैं उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं, यहाँ पे आ जाएं, हमारी कमेटी के लोग उसे बात कर लें, प्रशासन का क्या रुख है वह बात आन के बता दे। हमारा निर्णय यह है कि हम इसको लेकर सड़क के ऊपर जाएंगे 4 बजे यहाँ से, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, सब लोग पीछे रहेंगे, पार्थिव शरीर आगे चलेगा, और जो कमेटी के लोग होंगे वो जाके कहाँ रखना है वो जाके व्यवस्था वहां की देख ले। और ये हाँ, ये लड़ाई तो गऊ बचाने की तो लड़ाई है, और हरियाणा तो बड़ा इसमें शुरू से ही है कि कितनी गौशालाएं यहाँ पे हैं, किस हिसाब से वो चलाता है। जो सरकार के काम थे वो यहाँ की कमेटियां करती है, हरियाणा के लोग करते हैं,
और सरकार को भी बहुत सहूलियत दे रखी है भाई। ये काम तो सरकारों के थे, बहुत सरकारों का पैसा खर्च होता था, लेकिन यहाँ के लोग करते हैं तो इनको तो धन्यवाद देना चाहिए यहाँ के लोगों को। लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है, वो जमीन और जमीन दोनों हड़पना चाहते हैं, तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। आप धैर्य के साथ, मजबूती के साथ में आगे के प्रोग्राम बनाते रहेंगे। और आपको भाई जो गाड़ियों से ज़्यादा लोग आने लगे, हमको ट्रैक्टरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर धरना लंबा चलता है तो दिल्ली की तरह पे अपना सड़क के ऊपर उसी तरह के ट्रैक्टर, उसी तरह की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी, उसी तरह भंडारे लगाने पड़ेंगे। यह आंदोलन लंबा चलेगा। आपका धन्यवाद सभी जो लोग यहाँ पाए, हमारी माताएं बहनें सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप धैर्य बना के रखें, ये लड़ाई किसान जीत कर जाएगा। अभी आगे की जो कमेटी है आपकी, जो भी निर्णय लेती रहेगी, जिन जिन लोगों से भी बात करेंगे, आप बात करवा करो। 4 बजे तक हमने सरकार और प्रशासन को कहा है कि यहाँ किसान बैठे हैं और क्या बात करनी भाई, 6 दौर की बात होगी, एक एक पॉइंट में बात होगी, आगे न्यू बता दे, मानने कि नहीं मानने, कौन सी बात बाकी है, जितने भी पॉइंट थे उनके ऊपर 2-2 घंटे तक डिस्कस हो चुका है। अब प्रार्थना मेरी में 4 बजे तक एक भाई भी जावेगा नहीं, हाथ खड़े करके आश्वासन देंगे 4 बजे तक कोई भाई जाएगा नहीं। हमारे बड़े सीनियर नेता बोलने बाकी रह रहे हैं और जो स्टेज में भाई खड़े सारे नीचे आ जाओ भाई। आज का हमारा अध्यक्ष हमारा शहीद भाई है, धर्मपाल जी है, अध्यक्ष भी वही है, इनके सम्मान में हमने स्टेज खाली छोड़ रखी है, जो इनकी इज्जत नहीं करता वही स्टेज पर रहेगा। अब मैं प्रार्थना करूंगा भाई जोगिंदर नाम से, वो आए और मैं थोड़े थोड़े शब्दों में, क्योंकि 5-7 बड़े नेता रह रहे हैं, 1 घंटे में सारे ने बोलना है, तो 5-7 मिनट में ही अपना संबोधन दें भाई जोगिंदर नाम। आज की शोक सभा के अध्यक्ष हमारे धर्मपाल सहरण जी, इन्हीं की अध्यक्षता में आज का प्रोग्राम, ये शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा रखी गई। और पूरे हरियाणा प्रदेश के अलावा भिन्न भिन्न प्रदेशों से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, राजस्थान से जो किसान साथी आए, उन सब का यहाँ पहुँचने पर इस कमेटी की तरफ से हरियाणा का होने के नाते सबका मैं यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और आज जो कमेटी ने निर्णय लिया, हम सब साथी उसको फूल चढ़ाने का काम करेंगे, पूरे देश और प्रदेश के साथी, हम सब साथी।